सभी को नमस्ते। मेरा नाम परमिंदर है। मेरी जन्मभूमि रोहतक में एक गांव है लखनमाजरा, और पिछले 10 साल से हम पानीपत में रह रहे हैं। मम्मी जी की जॉब यहां पे लगी थी थर्मल में, तो उनके साथ ही हम वहाँ गए थे। और 2014 में मैंने अपनी 12वीं क्लास पास करी। उसके बाद मैं 3 साल SDPG कॉलेज पानीपत में मैंने पढ़ाई करी, BSc नॉन मेडिकल की। 12वीं तक सिंगिंग का मुझे ज़्यादा रुझान नहीं था, बस एक बाथरूम सिंगर था। और दूसरी कल्चरल एक्टिविटीज़ में मेरा रुझान ज़्यादा था, ड्राइंग में कह लीजिए आप, पोस्टर मेकिंग में, पेंटिंग। ऋतु दिलबागी, प्रिंसिपल DAV पब्लिक स्कूल थर्मल कॉलोनी पानीपत। आज बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ परमिंदर के लिए। परमिंदर अपनी स्कूलिंग से ही एक बहुत अच्छा बच्चा रहा है। पढ़ाई के साथ साथ इसका म्यूज़िक और डांस में बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था। किस में कितना है दम के काफ़ी राउंड्स ये बच्चा क्लियर कर चुका है। मेरी तरफ से, सब स्टाफ मेम्बर्स की तरफ से, पेरेंट्स और बच्चों की तरफ से हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ कि परमिंदर फाइनल्स भी जीते और स्कूल का, पूरी थर्मल कॉलोनी का, पानीपत का और हरियाणा का नाम रोशन करें। बहुत सारी शुभकामनाएं परमिंदर, अपना बेस्ट देना है। एक चीज़ हमेशा मैं हर बच्चे से बोलती हूँ, मेरे बच्चे, कि ये मत देखिए कि हमें फर्स्ट पोजीशन लेनी है या सेकंड पोजीशन लेनी है। हम जिस भी कॉम्पिटिशन में गए हैं, चाहे वो डांस कॉम्पिटिशन है, लिटरेरी है या एकेडमिक से रिलेटेड है, अपना 100% दें। जब हम अपना 100% देते हैं तो पूरी कायनात हमें उस कंपटीशन को जीतने में मदद करती है। हम वरुण बंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बच्चों को एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। किसमें कितना है दम, हमारे म्यूज़िक के बच्चे ही नहीं, आर्ट से, सेल्फ डिफेंस से बहुत सारे बच्चों को एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म मिला है अपनी प्रतिभा को दिखाने का। तो मैं KKHD को बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतनी अच्छी शुरुआत के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं शीशपाल शर्मा, DAV पब्लिक स्कूल थर्मल से संस्कृत अध्यापक हूँ और NSS का इंचार्ज रहा हूँ। इस विद्यार्थी परमिंदर का भी मैं इंचार्ज रहा हूँ। परमिंदर पढ़ने में बहुत होशियार लड़का रहा है, और जो जो भी हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, इवन जो म्यूजिक के और जो प्रोग्राम हमारे विद्यालय में रहे हैं, उनमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। ये परमिंदर जो हमारी, चाहे वो NSS की सोशल की एक्टिविटी रही या अदर्स एक्टिविटी रही, उनमें भी हमने जहाँ जहाँ भी इसको मौका दिया है, इसको इसने बढ़ चढ़ करके अपनी खूबी दिखाई और लीडरशिप की क्वालिटीज़ इसमें हैं। वाकई में ये बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है, और हम ये अक्सर देखते रहे हैं कि जब जब भी हमने कहीं जुलूस में लेके जाना हुआ NSS की सोशल एक्टिविटीज, जन अवेयरनेस के लिए या किसी और कार्य के लिए लेके जाना हुआ, तो इसने न केवल अपना अच्छा परफॉर्म करने का प्रयास किया किसी भी कार्य को, बल्कि दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट किया है। तो लीडरशिप की क्वालिटी भी इसमें खूब रही है। और इसके अतिरिक्त जब क्लास में ये पढ़ता था तो जिज्ञासु वृत्ति का विद्यार्थी रहा। इसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछते या कोई भी बात चल रही होती तो बीच में टोक देता था और प्रश्न करता था कि सर ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। तो संभवतः ये एक बहुत ही अच्छे विद्यार्थी के गुण होते हैं। इसके अतिरिक्त चाहे हमारा जैसे विद्यालय प्रेयर से प्रारंभ होता है, तो ये म्यूजिक की एक्टिविटीज़ में भी भाग लेता रहा है। इसने प्रेयर करवाने में, गीत गाने में, कहीं भी जैसे कोई हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए या राष्ट्रीय त्यौहार मनाए गए, उनमें भी इसने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि हम ये जो जितने एक्टिविटी हैं इनमें, ये वाकई में एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने वाला विद्यार्थी है। और मुझे आशा है और कि ये जो किस में कितना है दम, ये जो हमारा शो चल रहा है, इसमें भी ये वाकई में
अच्छा स्थान लेके आएगा, ऐसी मेरी भगवान से कामना है। और मैं वैसे धन्यवाद करता हूँ श्री बंसल जी का, जिन्होंने ये जो प्रोग्राम चलाया है और हमारी नई प्रतिभाओं को आगे लाने का जो अवसर प्रदान किया है, भगवान उसको भी और तरक्की दे और इस तरह से ही ये बच्चों को मौके मिलते रहें। और मेरी इस परमिंदर के लिए भी कामना है परमात्मा से कि अपना जीवन में और ज़्यादा ऊंचाइयों को छुए, तरक्की को प्राप्त हो। फिर कॉलेज लाइफ शुरू हुई और उस समय उस मोमेंट पे जब 12वीं का फेयरवेल हो गया था, उस समय मैंने एक गाना परफॉर्म किया था, तो वहाँ से मेरी सिंगिंग की जर्नी जो थी वो शुरू हुई। और उसके बाद कॉलेज में मैंने अपने फिटनेस पे काम किया, पहले मैं 66 केजी के अराउंड में 12th में था, उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे वेट लूज़ करके अभी खुद को 55 के आसपास 57 के आसपास मैंने मेंटेन किया हुआ है। और कॉलेज में फिर जो फ्रेशर पार्टी हुई हमारी और हमारी जो एक्टिविटीज़ जो यूथ फेस्टिवल होते थे उसमें मैं जाता रहा, सिंगिंग के लिए भी, पोस्टर मेकिंग के लिए भी, पेंटिंग वगैरह के लिए भी, और उसमें जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ जो भी होती थी उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था। फिर फेयरवेल का समय आ गया और वहाँ पर भी फिर डांस में मैंने परफॉर्म किया, मैंने ड्यूएट सिंगिंग करी, मैंने ग्रुप डांस किया, स्टार ऑफ द पार्टी का मुझको मिला था स्पेशल टाइटल उसमें, और 12th की फेयरवेल में मुझे आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का टाइटल मिला था स्पेशल टाइटल। बीएससी के बाद एक साल का जो समय मेरे पास, अभी पिछले साल मैंने एग्ज़ाम दिए थे बीएससी के, तो कंफ्यूज था। बीएससी में जो मेरा सफ़र गुजरा वो इतना अच्छा नहीं था जितना मैं पढ़ाई में 12th में कर पाया, तो फिर मैंने ध्यान और इन चीज़ों की तरफ थोड़ा अपने आप को बढ़ाया ताकि मैं अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकूँ। तो 2016 जून में मैं विपश्यना के एक शिविर में गया, 10 दिन का मैंने वो शिविर लगाया। फिर उसके बाद 2017 जून में शिविर लगाया, वहाँ से अध्यात्म के बारे में जानकारी बढ़ी। और उस दौरान एक ऐप है सिंगिंग का, सिंग नाम से, उस पर मैंने गाना गाना शुरू कर दिया। पिछले एक साल से ज़्यादा समय हो चुका है मैं उस पर गाने गा रहा हूँ और 1150 से ऊपर मैं रिकॉर्डिंग उस पर कर चुका हूँ। उसमें कैरोके म्यूज़िक आ जाता है और हम उस पर अपने वोकल्स करते हैं। एक सिंगिंग का हमारा ग्रुप है, उसी पे हम सब गाते हैं, साथ में जन्मदिन के लिए गाने बनाते हैं एक दूसरे के लिए, उनको कोलैब क्रिएट करके फिर शेयर करते हैं, विश करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ करते हैं, बॉयज वर्सेस फीमेल का ऐसे राउंड करते हैं। और उस ग्रुप में मैं एडमिन हूँ फिलहाल, और अलग अलग जगह से भारत में अपने वहाँ उसमें सिंगर्स हैं, उन सबके साथ हम बातें करते हैं, ग्रुप कॉल्स करते हैं। और उसी ऐप के ज़रिए मेरा जो रियाज़ कह सकते हैं आप, अभ्यास कह सकते हैं, अनुभव कह सकते हैं, उस ऐप के ज़रिए ही मैंने अपने आप को सिंगिंग में इतना लेके आ पाया हूँ। पहले मेरा सभी को नमस्ते, मैं संतोष पंचाल थर्मल कॉलोनी पानीपत में कार्यरत हूँ, और मेरा बेटा ये परमिंदर, इन्होंने KKHD है जिसमें कितना है दम, इस स्टेज पर परफॉर्म करा अपना और उसके बेस पे इसका मतलब सिलेक्शन हुआ। तो इसके बारे में कुछ मेरे को पहले कुछ डाउट नहीं था, अभी कुछ कर लिया, क्योंकि जब पढ़ाई करा करता जिस टाइम पे प्लस टू तक इसके नंबर ठीक थे, 80.25 थे शायद यहाँ तक था, तो हम सोच रहे थे बच्चे का कुछ अच्छा कोर्स करवाएं, ये वो हर मतलब पेरेंट्स सोचता ही है, तो लेकिन इसमें टैलेंट वैसे तो भरमार है, ड्राइंग का भी कर लेता है, सिंगिंग का भी है, डांसिंग का भी है, लेकिन इसका सिंगिंग में रुझान इतना बढ़ चला ये मतलब कुछ कंफर्म नहीं हो पाया था। तो एक दो बार ऑडिशन देने गया कि KHD में करनाल में था एक ऑडिशन, वहाँ चला गया, तो हमने सोचा भाई ठीक है बच्चा
मन कर रहा है इसका चला जाएगा, कर लेगा। एक राउंड हुआ, दो राउंड हुए, तीन, तीसरा राउंड सेमीफाइनल तक चला गया। सेमीफाइनल जब हो रहा था तो KKSD की तरफ से कॉल आया, तो कहने लगे पेरेंट्स को साथ में आना है। तो मैं थोड़ी एक्साइटेड हुई, कहा भाई बच्चा कुछ है, कुछ कर तो रहा है, हम तो वैसे ही सोच रहे थे। तो हम गए, मैं बंटी परमिंदर के साथ, वैसे हम घर में इसको बंटी बोलते हैं, लाड से। तो फिर वहाँ इसका परफॉर्म देखा, एक्चुअली उस टाइम पे इसके सिर में दर्द बहुत ज़्यादा था जिस टाइम सेमीफाइनल का राउंड था। तो हिम्मत करके बच्चे ने जैसे तैसे मतलब कर लिया। मैं तो बल्कि घबराई गई थी उस टाइम पर, मैं भाई बच्चा क्या पता कैसा रहेगा। लेकिन उसके बाद फिर वरुण बंसल जी हैं जो अपने डायरेक्टर हैं KKSD के, उन्होंने उनकी स्पीच सुनी, उन्होंने जो आगे रास्ता बताया बच्चों के लिए, तो पेरेंट्स का बुलाने का शायद यही मतलब होगा उनका शायद। तो हमने सुना, तो हमने भी देखा भी हाँ कुछ होगा, करेंगे बच्चे, तो मैं ठीक है भाई कर ले। तो उसके बाद बस जो घबराहट थी अगर भाई लड़के सिर में दर्द है तो इस हमारे कभी अच्छा ना कर पाए, तो इब हमारे सोचने से तो कुछ होगा नहीं, भी अच्छा करा नहीं करा तो जजमेंट बैठे हैं जो उधर, तो वही करेंगे। मैं तो बस आखिरी में यही कहना चाहूँगी कि मेरा बच्चा आगे तक जाए और फाइनल तक पार्टिसिपेट करे और जीत के आए, भगवान से यही दुआ करते हैं। और साथ में वरुण बंसल जी हैं उनका धन्यवाद करते हैं, बच्चों के लिए ये KKSD का जो है स्टेज ये प्रोवाइड किया, इससे बच्चों का भविष्य सुधरने में मतलब बहुत हेल्प मिलेगी। फिर पिछले महीने योगा करने जाता था हमारे समाज में, अब भी जाता हूँ, बस थोड़े दिनों पीछे नहीं जा पाया। और वहाँ से फिर ये आपके KKHD शो का मुझको पैम्पलेट पता चला, तो सिंगिंग का उसमें मेरे पास अवसर अच्छा था तो मैंने सिंगिंग के लिए कर दिया। उसमें एक राउंड क्लियर हुआ, दो राउंड क्लियर हुआ, शुरू में तो लगता था कि ठीक है, कहाँ एक दो बार पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, कहाँ हूँ, इतनी सिंगिंग अच्छी कहाँ है मेरी, बाथरूम सिंगर को कौन पूछता है, सब कोई यहाँ पे सीखा हुआ है यहाँ पे, और कोई ना कोई। फिर मैंने रखा उस सफ़र को जारी रखा, तो करते 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 सेमीफाइनल परफॉर्म किया, प्री फाइनल में परफॉर्म कर चुका हूँ। तो इस स्टेज के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आज अपने पेरेंट्स को कह सकता हूँ कि मैं एक सही लाइन में हूँ, अपने पैरों पे खड़े होने का काम कर रहा हूँ, और आपका नाम बिल्कुल रोशन करूँगा, अभी तो शुरुआत है। मेरा नाम जगमिंदर है, DAV पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। ये मेरे बड़े भाई हैं, ये हम दोनों बहुत मस्ती करते रहते हैं हमेशा, और कुछ कुछ गेम खेलते रहते हैं हम। तो पहले ना भैया, बहुत दिन पहले भैया ने एक इंडियन आइडल शो में लिया था हिस्सा, तो उसमें पहले राउंड में सिलेक्ट भी हो गए थे वो, लेकिन उसके बाद वो गए नहीं थे बाद में उसमें वापस गाना गाने। तो मेरे को ये वजह पता नहीं है क्यों नहीं गए थे वो। तो फिर हम फिर मैंने एक बार पूछी भी थी भैया से कि क्यों नहीं गए भैया जी यहाँ पे, तो इन्होंने शायद मेरे को बताया जब मैं बहुत छोटा था ना। फिर भैया जी का यहाँ पे सिलेक्ट हुआ KKHD में। फिर भैया जी पहले BSc करते थे, 3 साल बाद होने के बाद KKHD में गए। फिर उसके बाद मैं अभी जैसे कि मेरे पेपर चल रहे थे कुछ दिन पहले, मैं पढ़ाई करते थे, मेरे भैया बहुत मेरे मदद करते थे एग्ज़ाम में, मेरे को भी अच्छा लगता था। मैं एनिमेशन का काम करता हूँ कंप्यूटर में, तो कभी कभी भैया मेरे को बताते हैं गाना कैसा है, अच्छा है, मैं भी अपनी वीडियो दिखा देता था भैया को जो बने होते थे। हम बहुत तरह के गेम खेलते थे, जैसे कि हम ऐसे मस्ती में लड़ाई कर लेते थे और एक दूसरे का मोबाइल छुपा देते थे ऐसे ऐसे। बहुत दिन पहले भैया जी आर्य समाज है ना जो यहाँ पे, वहाँ पे जाने लग गए थे। कुछ दिनों बाद भैया ने मेरे को कहा कि तू भी चल मेरे साथ, मैंने कहा ठीक है चल लूँगा मैं। फिर मैं भी जाने लग गया, उसके बाद मेरे दोस्त भी आ गए वहाँ पे। फिर भैया मेरे को कह रहे हैं कि अच्छा हुआ तू भी आने लग गया, तूने अच्छा काम किया है, तेरी बॉडी अच्छी रहेगी। भैया एक्सरसाइज करने लग गए हैं वैसे बाद में, उसके बाद अब उनकी भी मसल्स बन चुकी हैं वैसे अब। और फिर भैया ने ऐसे भी तो पढ़ाई छोड़ दी है, सिंगिंग भी ज़्यादा ध्यान देते हैं और योग। बस भैया के दो ही वेज हैं, रास्ते हैं, एक तो सिंगिंग है एक योग है। सिंगिंग भैया ने अपना क्या कहते हैं हॉबी रख रखी है अभी के लिए, और मेन तो योग में करते हैं भैया जी, वहाँ पर जाते हैं, फिर वहाँ पर मजे करते हैं थोड़ी आगे बातें करके, फिर वापस शाम को 6:30 बजे जाते हैं हम, 8 बजे आ जाते हैं। 8 बजे आने के बाद हम खाना खा के सो जाते हैं, फिर
भैया जी सिंगिंग करते रहते हैं ज़्यादातर, तो डांस भी करते हैं भैया जी, मुझे डांस का भी शौक़ है। जब स्कूल में थे ना भैया जी 12th क्लास में, तो जब उन फेयरवेल पार्टी थी उनकी या पता नहीं कौन सी पार्टी थी, एक वहाँ पे भी डांस करते थे भैया जी, कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में भी भैया ने डांस किया था। और हर जगह डांस भी करते हैं, यहाँ पे भी कहीं डांस करते रहते हैं, गाने गाते रहते हैं, यही है। फिर हम मैं और भैया कार्टून भी बहुत देखते हैं, वैसे तो कार्टून देखते रहते हैं, जैसे कि सुपर हीरोज़ की कार्टून देखते हैं तो और टाइप के देखते हैं। तो अब मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जो भैया KKHD शो में है वो जीत के आए और पानीपत का और हमारे गाँव का नाम रोशन करे लाकर माजरा। वरुण बंसल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना सटीक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें मिलावट नहीं है, धोखेबाजी नहीं है और जेन्युइन काम होता है उसमें। और आशा करता हूँ कि फाइनल जीतो और आगे भी काम को अपने 100% स्तर तक लेके जा सको। और आप सबके साथ की आशा करता हूँ, सभी को धन्यवाद। आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे कब सो गए, डरते न थे मौत से अब मगर डरने लगे। आवाज दो हमको, हम खो गए, तुमसे निगाहें चार करने लगे, हम जिंदगी से प्यार करने लगे, डरते न थे मौत से अब मगर डरने लगे। आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे कब सो गए।